देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस ने रफ्तार पकड़ ली है। दिन ब दिन आंकड़े डरा रहे हैं। तमाम पाबंदियों के बावजूद लोगों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही। इसकी वानगी आज के आंकड़ों में साफ दिख रही है। इस साल गुरुवार सुबह पहली बार कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 35,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए, जो इस साल में एक दिन में मिले नए कोरोना संक्रमितों की संख्या की सर्वाधिक संख्या है। वहीं बात की जाए कोरोना के नए स्ट्रेन के ब्रिटेन, साउथ अफ्रीकी और ब्राजील वेरिएंट के मामलों की, तो स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल बुधवार को 4 नए मामले सामने आए, जिससे देश में संक्रमितों की संख्या 285 हो गई। लेकिन आज गुरुवार को देश में नए स्ट्रेन के मामलों का एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसके बाद आंकड़े सीधे 400 पर पहुंच गए। यानी आज सीधे 115 नए मामले सामने आए। जहां रोज 5 से 10 मामले मिल रहे थे, तो वहीं आज एकदम से 115 नए मामले सामने आने के बाद लोगों में डर का माहौल है और अब देश में संक्रमितों की संख्या 400 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज गुरुवार को ये जानकारी दी। इनमें से हर मरीज को संबंध राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में अलग अलग कमरों में रखा गया है। उनके करीबी संपर्क में रहे लोगों को भी पृथक रखा गया है। संपर्क में आए सहयात्रियों, परिवार में संपर्क में आए लोगों और अन्य का पता लगाने की व्यापक स्तर पर कोशिश हो रही है। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।